काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं। आइए सामने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि आज गाड़ी जितने भी बस है सब हड़ताल पे है, और लोग हैं जो कि यहाँ पर परेशान हुए हैं। कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अंकल? मुजफ्फरपुर। गाड़ी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही है। आपको परेशान हो रहे हैं जी, कम से ये जो सरकार के फैसले से आम पब्लिक परेशान हो रही है। अच्छा, सरकार के फैसले से आम पब्लिक परेशान। आपको क्या लगता है, ये नियम सही है गलत है? हमारे हिसाब से। नमस्कार, मैं हूँ आदित्य और आप देख रहे हैं आदित्य श्री। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है, आज है नया साल, और नया साल को लेकर आज परिवहन द्वारा नया नियम लागू किया गया है, जिसको लेकर जितने भी बस ड्राइवर है नाखुश है, जिसके कारण आज पूरा हड़ताल पर लगे हुए हैं और गाड़ी नहीं चला रहे हैं, अपना जो भी बस है नहीं चला रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक बस ड्राइवर है जो कि इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आज बस क्यों नहीं चल रही है? आज बस इसलिए नहीं चल रहा है कि कानून जो है, जो भी कानून जो बनाए हैं सब गलत है, समझ गए ना? कानून जो बना है वो गलत है? गलत है। अच्छा, गलत है। जैसे मान ले कि 10 लाख रुपया देना है। अच्छा, 10 लाख, 5 लाख रुपया। अच्छा, जो भी है वो तो ही है। 10 साल का सजा है। मान ले कि एक्सीडेंट गाड़ी से कर गया, उसको उठाने जाएगा, उस समय अगर उसको अगर ड्राइवर को मार देगा तब क्या होगा? अच्छा, है ना, आजकल ज्यादा एक्सीडेंट से ही मौत होता है रोड पे। होता ही है। तो उसमें कानून दोनों तरफ से है, सारा कानून एक ड्राइवर के ऊपर लाद दिया गया है, कहला ऐसा हुआ है। अच्छा, होना चाहिए, ड्राइवर ही तो गाड़ी चलाता है, ड्राइवर से तो एक्सीडेंट होता है। ड्राइवर से तो होता ही है, ड्राइवर से होता है। ड्राइवर चाहता है कि कोई चींटी के पीस दे, हम नहीं चाहता है, लेकिन जो सजा नहीं है वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अच्छा, ये जो नियम आया उससे आप नाखुश है? हाँ, उससे बिल्कुल नाखुश है। बहुत सारे ड्राइवर है जो पूरे ड्राइवर दारू पीकर मतलब गाड़ी चलाता है, जिसके कारण एक्सीडेंट हो जाता है। बिहार में दारू जब बंद है, दारू पी के चलाता है, तो बिहार में दारू कहाँ से आया? ये तो सरकार समझेगा ना कि दारू हम कहाँ से आ रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि कानून उसी पर बनना चाहिए कि जो दारू पी के चला रहा है उसको सख्त, माने उसको कानून के शिकंजा में लेना चाहिए, है नहीं है? जो नहीं पीने वाला है उसको कैसे लिया जाएगा? आपको नहीं लगता है मगर ये नियम आने से मतलब रोड में जितना एक्सीडेंट होता है कम आ जाए, कमी होगा इसमें? ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा नहीं होगा? नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा ऐसा, नहीं होगा। क्योंकि एक तो ड्राइवर चल रहा है, यहाँ 500 आदमी चल रहा है, उसमें से एक दारू पीकर रोडवे पर गिर जाएगा, मोटरसाइकिल आएगा उसी में टुका देगा, ड्राइवर दोषी होगा? होता है, ऐसा होता है। सारा दोषी ड्राइवर पर आ रहा है। कोई अगर चार चक्का है वही मार लेता है, नया नया आता है वही रगड़ देता है, बरजोरी गाड़ी वाला को रोकता है कि तू मार दिया है। अक्सर छोटे छोटे जो बाइक होते हैं इससे मारते हैं, बड़े यहाँ तो इतना देखा जाए, अगर चेक होगा तो एक टेम्पो ड्राइवर के पास में लाइसेंस ड्राइवरी नहीं है, जिसका उम्र नहीं हुआ है 12 साल नहीं हुआ, उसके वो जो है टेम्पो चला रहा है, चार चक्का चला रहा है, उसके ना पहले ठीक करे कि यहाँ का बीवी व्यवस्था वो ना ठीक होना चाहिए। हाँ, कि किसके पास में लाइसेंस नहीं है, कौन गाड़ी चलाने लायक है, उस पर होना चाहिए ना, है मतलब ऐसा है कि नहीं है? जी, बात सही बोल रहे हैं। और देख सकते हैं हड़ताल के कारण काफी लोग जो आते हैं अपना घर जाना चाहते हैं, और यहाँ पर देख रहे जितना भी आप घर जाने वाले हैं, कहाँ जाने वाले? महुआ। गाड़ी नहीं मिल रही है? दो तीन घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं। तीन घंटा से यहाँ वेट कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी नहीं मिली? नहीं मिल रहा। छोटा गाड़ी तो चल रहा है, ऑटो टेम्पो ये सब चल रही है, लोकल में जा रही है, लोकल में जा रही है, लेकिन दूर नहीं जा रही है। देख सकते हैं बस हड़ताल जितने भी किए हैं उसके कारण यहाँ पर आम आदमी को मतलब परेशानी हो रही है। देख सकते हैं सब अपने बैग ले ले हुए हैं और अपने सामान लेकर मतलब घूम रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं अंकल? हमको महुआ जाना है। महुआ जाना है, गाड़ी नहीं मिल रही है? देख सकते हैं गाड़ी इनको नहीं मिल रही है, तो आप कैसे जाइएगा? जाएंगे कोनो गाड़ी तो कहीं के जाना हो, कैसे जाइएगा? घर तो जाना है तो कैसे जाएंगे? भले लेट हो जाए क्या? हाँ, देख सकते हैं और काफी लोग भैया लोग हैं। कहाँ जा रहे हैं आप? नरगढ़ियागंज जाना है। अच्छा, गाड़ी नहीं मिल रही है? बिल्कुल गाड़ी नहीं। आपको नहीं पता था कि आज बस कल जितने ड्राइवर हड़ताल करने वाले? नहीं पता था। ये नियम लागू हुआ है कि जो मतलब एक्सीडेंट होता है तो उसको 10 साल के सजा, 5 लाख रुपया, ये नियम सही है या गलत है? नियम लागू जो हुआ है वो उन लोगों के लिए लागू है ना जो शराब पी के गाड़ी चला रहे हैं, इसमें गलत क्या है? सही नियम अभी ड्राइवर के लिए नियम लागू हुआ है, सही नियम है, नियम में कोई गड़बड़ नहीं है, जिसके कारण ये ड्राइवर जितने वो नाखुश है इसके कारण। गलत चीज है ना, तो गाड़ी संभाल के चलाएगा तो एक्सीडेंट ही नहीं होगा। बोल रहे हैं कोई और जानबूझकर छोटा गाड़ी वाला एक्सीडेंट करता है।
दोषी होता है तो उसके दोनों तरफ से नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिम्मेदार हो जाते हैं बड़े गाड़ी वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये नियम आपको क्या लगता है सही है? अभी हमको इसके बारे में पूरा जानकारी है नहीं तो हम कमेंट नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक, आप कहाँ जा रहे हैं? सेम ही जगह। वही जगह जा रहे हैं, आपको भी गाड़ी नहीं मिल रहा, कितना देर से वेट कर रहे हैं? हम लोग जैसे अभी आए हुए आधा घंटा हुआ। आधा घंटा से वेट कर रहे हैं, देख रहे हैं आधा घंटा से वेट कर रहे हैं, काफी ज्यादा यहाँ पर भीड़ लगा हुआ है, देख सकते हैं। आइए सामने आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि आज गाड़ी जितने भी बस है सब हड़ताल पे है और लोग हैं जो कि यहाँ पर परेशान हुए हैं। कब से वेट कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं अंकल? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, गाड़ी नहीं मिल रही है? नहीं मिल रही, परेशान हो रहे हैं जी। कम से ये जो सरकार के फैसले से आम पब्लिक परेशान हो रही है। अच्छा, सरकार के फैसले से आम पब्लिक। आपको क्या लगता है, ये नियम सही है गलत है? हमारे हिसाब से तो गलत है। गलत है, देख सकते हैं गलत है। और आपको गाड़ी नहीं मिल रही, कितने देर से वेट कर रहे हैं? एक डेढ़ घंटा हो गया। डेढ़ घंटा से? अच्छा, और ट्रेन में स्टेशन गए तो ट्रेन भी कम से कम 3:30-4 से पहले नहीं है। अच्छा, ट्रेन भी नहीं मिल रही है? 3:30-4 बजे से पहले ट्रेन भी नहीं है। देख सकते हैं सभी लोग अपना बैग हुए ले हुए सामान लिए हुए इंतजार कर रहे हैं। क्या हुआ? गाड़ी बैठा लिए, जा नहीं रहे हैं। कहाँ नहीं जा रही है? महुआ के लिए बैठा लिए हैं, सवारी भर गया है तो अगर नहीं जाएंगे। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं अंकल? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, सवारी को बैठा कर अब नहीं जाइएगा? ना ना, क्यों डर गए? हड़ताल है इस कारण था? हाँ, हड़ताल के लेकर आगे कोई दिक्कत होती है क्या? बहुत जगह है, सवारी में है, सुबई में है, आपको रानी पोखर में है, देख सकते हैं। ये हड़ताल को लेकर काफी लोग मतलब आम पब्लिक को दिक्कत हो रही है। ये कह रहे इसमें और एक गाड़ी डालूंगा। आओ डालने के लिए बोल रहे हैं, पैसा भी ज्यादा लग रहा है आपको? 80 रुपए ले रहा है। 80 रुपया, आप देख सकते हैं। मतलब ये हड़ताल को लेकर पहले बस से कम पैसा लगता था, जो 30-40 रुपए लगता था, आज ज्यादा पैसा ले रहे हैं। यहाँ पर कहाँ पे जा रहे हैं? मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर जा रहे हैं, देख सकते हैं गाड़ी नहीं मिल रही आप लोग। हम लोग का गाड़ी परेशान हो गया है। कहाँ? दिल्ली से परेशान हो गए? आपको नहीं मालूम था कि आज हड़ताल है? नहीं, हड़ताल था, इतना बुरा थोड़ी ना सुनते, इतना बुरा थोड़ी ना सुनते कि इतना बुरा हड़ताल है। कहाँ जाने वाले आप? हम वो जाने पाचमपुर थाना। छोटा गाड़ी चल रही है, टेम्पो ये भी नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा, अभी नहीं जा रहा, नहीं जा रहा है। 100 रुपया मांग रहा है। 100 रुपया मांग रहा है? पहले कितना लगता था वहाँ जाने में? वहाँ जाने में 50 रुपया लगता था। 50 रुपया, आप 100 रुपया मांग रहे हैं। देख सकते हैं ये हड़ताल के कारण लोग, ड्राइवर भी जो है टेम्पो वाले पैसा बढ़ा दिए हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर अपना सामान लिए हुए घर जाने की कोशिश कर रहे हैं।